तो फ्रेंड देखते हैं क्या खाया जाए नहीं खाया जाए। आई थिंक मैं मैगी ही लूँगा, देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ कहीं रुके हैं, आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। गला बहुत ख़राब है तो ताज़ा तेज़ बोल नहीं पाऊँगा मैं, देखते हैं आगे। मैगी खाओ। तो फ्रेंड ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बोला ना, रुद्रप्रयाग बोल लो तो देवप्रयाग। দুটো কালার জল কালার আলাদা থাকে, একই কালার তো? হ্যাঁ এটা তো আলাদা। হ্যাঁ ঠিকই তো, আমি তো যাহা পর ঠিক রাখছি তো। भैया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ लंबी जाम लग गई है। क्योंकि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और अगले महीने का रजिस्ट्रेशन है
तो आपको आगे जाने दिया नहीं जा सकता। तो हम लोग का भी यही प्रॉब्लम है और टेंशन ही पड़े, क्योंकि हम लोग का भी रजिस्ट्रेशन अगले महीने का है, इस महीने का रजिस्ट्रेशन के पास है नहीं। तो सारे यात्री प्रॉब्लम फंसे हुए और लंबी तरह के जाम लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो केदारनाथ के लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी आप आ जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको आगे नहीं जाने देंगे। इस बार की जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 10-15 आदमी मर चुके हैं यहाँ। कोई गंदे उठते ना, अबे कहते 46 किलोमीटर केदारनाथ, 46 किलोमीटर फ्रेंड। अभी हम लोग सीतापुर के स्टैंड में और बस, और यहाँ से कुछ ही देर केदारनाथ यात्रा हम स्टार्ट कर देंगे। और अभी तो फिलहाल सीतापुर स्टैंड में यहाँ गाड़ी खचवा कर भीड़ है, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम तो आई है, प्रॉब्लम मैं बताऊंगा बाद में वो होटल में जाके। अभी फिलहाल हम लोग सीतापुर के स्टैंड में है, स्टैंड की तरफ है। चलो स्टैंड में है, ये हमारा सामान रखा हुआ अभी बिल्कुल यहाँ, हाँ यहाँ से सोम प्रैक के लिए जाएंगे। तो बस अभी यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, यहाँ से सोम प्रैक के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देंगे, मिलते हैं आपको डायरेक्ट पहाड़ में। तो फ्रेंड अभी हम लोग सोम प्रैक के लिए चढ़ाई कर रहे हैं और अभी से हालत ख़राब है, हम लोग अभी शायद 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चला है, अभी से हमारा हालत ख़राब हो जाए अभी सोम प्रैक के पास जाने के बाद, क्या अवस्था होगा। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये वीडियो मैं सोम प्रैक में जाकर ख़त्म कर दूँगा, फिर केदारनाथ के लिए अलग वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो बस वीडियो बने रहे, अच्छे से वीडियो बने लगे। तो फ्रेंड अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं हम लोग गौरी कुंड के लिए। मैं तो बोला होटल ही थे गया, हर हर महादेव की फोटो ली भी नहीं की, हाँ एक वीडियो कर ली। चल रहा है भाई लोग, देखो यहाँ खाना राजमा चावल में 30 रुपये की पड़ी है, बट टेस्ट बहुत अच्छी है, आधा गेंग वहाँ फ्रेंड। हमें यहाँ गौरी कुंड के लिए गाड़ी करनी पड़ेगी, अब देखते हैं।
कैसा क्या रेट है? कितने? 50 रुपये यार, 50 रुपये 40 वाला हो जाता है। 50 रुपये पर बंदे। होटल बारिश होने के कारण हम लोग रूम ले लिया। अब हम ट्रैकिंग अब कल से करेंगे, तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा। अब फिर तुम्हारा ट्रैकिंग की वीडियो अलग एपिसोड में देखना, और बस ये वीडियो आज तक की सही। ये वाला रूम है और ये वाला कुछ व्यू है। हम लोग 10 जन के हम लोग का रूम रेंट पड़ा है कितना? 4,500 रुपये पड़ा है एक रूम का। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो यहाँ का व्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।